आज के हमारे आखिरी फाइनलिस्ट की क्लासिकल म्यूजिक को सीखने की इतनी हसरत थी कि ये 12 साल की उम्र में पटना से लुधियाना पहुंच गए अपने गुरुजी के पास दीक्षा लेने। और ये आज लेकर आ रहे हैं राग यमन पर आधारित परफॉर्मेंस, प्रेजेंटिंग लुधियाना पंजाब से देवेंद्र पाल सिंह। मैं इस बार यमन राग में परफॉर्म करूंगा, तो सारा दिन रात मेरे दिमाग में यमन राग ही घूमता रहता है। उसमें थोड़ी चलन में प्रॉब्लम आती है, तो सबको मैं ओवरकम कर रहा हूं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का राना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, निरेगा रेगा पागर सासानी पापा मा रेगा सानी सागा पामा पा मैं पलकन डगर बुहारूंगा तेरी राह निहारूंगा मैं पलकन डगर बुहारूंगा तेरी राह निहारूंगा मेरी प्रीत का काज तुम अपने मले आना जब दीप जले आना जब शाम ढले दौड़ी जात पिया गए मिलन को दौड़ी दौड़ी जात पिया गए मिलन को जब से सुनी पिया कर गए बार सब बिना दौड़ी दौड़ी जात पिया गए मिलन को दौड़ी दौड़ी जात पिया गए मिलन को मेरे गम पर गम पर गम पर मम मत मानी दानी दम मगर मेरे गम धानी दा मेरे गम धानी दा मेरे गम धानी दा दौड़ी दौड़ी वाह 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 वाह।
ओए होए देवेंद्र, क्या कर दिया है तुमने आज इस मंच पे, मैं आपको बता नहीं सकता। पंडित जी उड़ गए ताली बजाने के लिए। आज क्लासिकल राउंड यार, तीन ताल बजेगी बस। जय हो। पहली तो बात ये है, जहाँ तक तान का सवाल है, बहुत खूबसूरत तान। जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का सवाल था, बहुत सुंदर। और आवाज़ का ठहराव, जैसे हमारी आशा जी कहती हैं, वो आपने शुरू से ही अच्छा बताया। बहुत टोटल गाना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और क्या बताऊँ। और शास्त्रीय संगीत गाओ। थैंक यू। एंड में जो ताने लिए, वो जो ताने आपने लिए और वो सुर में, और इतनी साफ ताने लेना और इतनी कॉन्फिडेंटली लेना, मतलब तुमने जो समा बांधा है, क्लासिकल का ठप्पा लगा दिया अपने इंडियन आइडल के मंच के ऊपर। सच में छोटे सरदार छुपे रुस्तों में, जब हमेशा गाते हैं तो नाजुक सी आवाज निकल के ऐसे करके गाते। आज इन्होंने आवाज़ जो बनाई है वो क्लासिकल वाली बनाई है, ने रे गा मा जब किया ना, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने क्लासिकल की आवाज़ को पकड़ के और जो गाया, इसका मतलब आपका क्लासिकल का रियाज है। क्या कहूँ, मैंने बहुत अच्छा गाया। ऊपर जाके जो ठहरे, इतना सुर में ठहरे के बदन पे काटा आ गया। लवली, थैंक यू मैम। आप इतने प्यार से, इतने रोमांस के साथ आपने जब दीप जले गाना गाया, और हरकतें और मुर्कियों के साथ खूबसूरती से, और फिर अचानक एक शेर वाली आवाज़, और आप ताने और सरगम गा रहे हैं, और वो इतना खूबसूरत लगा सुनने में। सुर अच्छे, एकदम पक्का गाना, मंझा हुआ गाना। मतलब आज क्लासिकल का ये एपिसोड है और आपने इसको पूरी तरह से दिखा दिया, मज़ा आ गया। थैंक यू। क्या बात, तारीफों के पुल तो सभी ने बांध लिए। आई रियली वॉन्ट टू से वन थिंग, कि आप जितने अच्छे इंसान हो ना, आपकी रूह जितनी अच्छी है, उतना ही अच्छा आपका सुर लगता है। आप प्लीज ऐसे ही रहो बस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।